लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें घर पर मंदिर में स्थापित करें। लड्डू गोपाल की आंखों में एक लाल कपड़ा लगा लें, फिर उन्हें किसी बर्तन में रखें। आराम से फिर उस बर्तन में थोड़े थोड़े करके अनाज डालें, भरते जाएं भरते जाएं। फिर भगवान को जो प्रेम से प्रवृत्त करेंगी, वो सब ग्रहण करेंगे। वो उसी रूप में प्रकट होकर स्वीकार करते हैं। 1 घंटे तक पीले या लाल कपड़े में ढककर रखें, फिर धीरे धीरे निकालें और फिर इसी तरह 1-1 घंटे तक कपड़ा उठाकर रखें। मान्यता है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो घर लड्डू गोपाल के हो जाता है। हमने चावल डाल दिए हैं और फिर से ढक दिया है। इसी तरह हर बार आपको ढकना है फिर निकालना है। अब हम थोड़े से ये निकाल लेंगे और धीरे धीरे निकालें। इसलिए हम लड्डू गोपाल तो भाव के भूखे हैं, भगवान कोई भी भगवान हो भाव के भूखे रहते हैं भगवान। और धीरे धीरे से निकालें, फिर 1 घंटे तक फिर रखें। जितना उस समय आप जाप कर सकते हैं उतना जाप करें लड्डू गोपाल का। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस मंत्र का ही जाप कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल का प्यारा सा कोई नाम भी रख सकते हैं। आज ही सोच लीजिए और उसी नाम से लड्डू गोपाल को बुलाइए। इसी तरह आप फूल फल सभी चीज़ों से आप लड्डू गोपाल को ढकें 1 घंटे तक। फिर 1 घंटा हो जाए और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें, जाप अवश्य ही करें। इसी तरह अब फूल ले लें, अब सब्जियां ले ली हैं, अब हम फल लेंगे। और लड्डू गोपाल हमारे इतनी जल्दी में आए हैं कि हम कुछ सामान लेने गए थे छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए, और लड्डू गोपाल हमें दिख गए। हमने लड्डू गोपाल को देखा और लड्डू गोपाल ने हमें देखा और बस हमें तो लाला पसंद ही आ गए। तो हमने कहा लाला अब घर चलना ही है। तो लड्डू गोपाल आ गए। इधर हम जन्माष्टमी की तैयारी कर रही थी। अब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें अगले वीडियो में आपको सारी बात बताएंगे। और अब हमने फलों से ढक दिया है लड्डू गोपाल को। अब हम फिर से कपड़ा लगाएंगे, फिर कपड़े से ढक देंगे। यह हमने ढक दिया है। अब हम फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे निकालेंगे। जब हम सभी निकालेंगे फिर हम फूलों से अभिषेक करेंगे लड्डू गोपाल का। आज तो घर में सभी लोग इतने खुश हैं कि बहुत ही ज़्यादा कि हमारे घर नए लड्डू गोपाल आए हैं और लाला इतने प्यारे हैं कि नज़र ही नहीं हट रही है सबकी। मैं तो बार बार आती हूँ मंदिर में फिर जाती हूँ। और अब मैं फूलों से ढकूँगी। ये हमने फूलों से ढक लिया है। अगर आप चाहें तो आप पंडित से भी करवा सकते हैं, और नहीं करवाना चाहते हैं तो आप इसी तरह घर में भी कर सकते हैं। अगर पंडित से करवा लें तो और अच्छा है, क्योंकि वो मंत्र जाप करके करेंगे रुद्र। और ये हमने अब जो भी फूल हों आपके पास वो फूलों से आप ढक दें। ये हो गया, अब हमने फूलों से ढक दिया। ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। और फूल चढ़ाएं धीरे धीरे, उन्हें पूरे बदन को ढक लें। जिस प्रकार से माँ के गर्भ में बच्चों को पोषण मिलता है उसी प्रकार इस प्रक्रिया से भी लड्डू गोपाल को पोषण मिलता है। अब हमने बाहर निकाल लिया। अब हम किसी एक बर्तन में रखेंगे लड्डू गोपाल को। ये हमने बर्तन में रख लिया। अब हम 108 तुलसी पत्र चढ़ाएंगे लड्डू गोपाल को और थोड़े से फूल चढ़ाएंगे। ये हमने तुलसी पत्र और फूल रख दिए हैं। अब हम अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। अब हम लाला का अभिषेक करेंगे
और 1 घंटे के बाद आप उन्हें निकाल लीजिए और इसी तरह से बैठा दीजिए। और फिर अब हमने तुलसी की माला पहनाई है लड्डू गोपाल को, 1 से 8 तुलसी के पत्र की माला भी बना ले। अब हमने ये 2 से अभिषेक किया है लाला का। अभी हमने कोई नाम नहीं रखा है, लेकिन हमने सोच लिया है, यह हमने दही से अभिषेक कर दिया है, हमने दही हमने नाम सोच के रखा है। ये हमने किशमिश की माला ली है। जल्दी से इतनी ही तैयारियां हो पाई हैं, मैंने बहुत ज़्यादा तैयारियां नहीं कर पाई हैं जल्दी में। अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो माफ़ी चाहते हैं। ये हमने काजू की माला ली है और दूध दही शहद गंगा जल और मिश्री इन सब चीज़ों से लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। और ये हो गया, ये हमने मखाने की माला ली, फूलों की माला ली है, सॉरी। अब हम लाला का फिर से अभिषेक करेंगे। ये हमने गंगा जल से अभिषेक किया है। अब हम लास्ट मखाने की माला से अभिषेक करेंगे। ये हमने अब सादा जल अर्पण किया है। अब सभी पैरों पे हाथों में सभी जगह डाल दें जैसे कि अभी हो जाए। अब हम लाला को नहलाएंगे। राधे कृष्णा।